हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज कितने बजे उठे हुए मेरे साथ आप? 8 बजे करीब। ओ यार, अब ये उंगली दिखाते रहोगे क्या बार 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 बार? मैं वोट दे दिया। वोट दे दिया मैंने। तो भाई यार क्या पी रहे हो? ब्लैक कॉफी? गरम पानी? तो भाई नींबू पानी ये पी रहे हैं, मैंने अपनी ठंडा ही बना रही हूँ। ठंडा ही पी के हम लोग चलते हैं जिम। अब मैं वर्कआउट वैसे करने वाली हूँ नहीं, पर फिर भी मैं जा रही हूँ साथ। सिर्फ आपका अकेले बन के वेसन के साथ जा रही हूँ ना, मुझे करना कुछ भी नहीं है। मेरा तो मन बॉडी टूटी टूटी सो रही है, कुछ 6 वर्कआउट कर ले 2 दिन। तो भाई चलो जिम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो भाई अंजीर तो मैंने ले लिया, लेकिन उसके अगर ये ठंडाई और भाई ये कॉफ़ी, यार कॉफ़ी तो ठीक है, पर ये ब्लैक कॉफ़ी ऊपर सुबह सुबह गर्म गर्म आया है। यार गर्मी में लोग कैसे चाय कॉफ़ी पी लेते हैं गर्मी में? एंड सो दिस पर्सन वही ठंडा ही पियो जिसमें कि सिर्फ दूध 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 रहता है। और ये दूध फट चुका है, फटा हुआ नहीं, मलाई है सारा। ठंडा दूध कहाँ से फट जाएगा? तो भाई देखो गर्मी में गर्म कॉफ़ी पी रहे, मेरे को देख के तो इनको गर्मी लगने लगी। मेरे को यार गर्मी लग रही है आपसे बोल रहा हूँ, सो हॉट दिस कॉफ़ी। कॉफ़ी नॉट यू। तो भाई ये पीते ठंडा ही और चलते हैं जिम। मेरे को तो भाई इसी से ठंडा मिलेगी, कॉफ़ी कुछ काफ़ी चाय पे तो मैं नहीं पी सकती। और देखो कोई टाइम ऐसा नहीं होता जो बगैर फ़ोन के इनका कुछ काम हो जाए। भाई आज कपड़े धुल भी रहे हैं, कल के धुले भी हैं और पहले के भी रखे हैं। आज कपड़े बहुत सारे रखने हैं और बहुत काम है आज। दिखाते हैं आपको पहले जिम से हुआ थे। यस तो कपड़े पहले ही लगा दिए। सही करा, टाइम से पहले हो गए। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। 12 बजे? हाँ। ओह माय गॉड। कोई नहाना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। तू ही बता तू क्या करके माने जी? मैं तो बस अपना फूड सैन। ये तो है ना, ये ही है। ध्यान कौन रखेगा? मैं रखती हूँ। नहीं रखती ना? चलो जी। भाई नहा धो के रेडी भी हो गए हैं, बाल मेरे गीले हो रहे हैं, बाल सुखा रही थी भाई सुबह में, फिर सुबह में ही चल रहा है। और देखो मेरा दिमाग देखो, मैं छाछ और लेके बैठी फ्रिज की ठंडी ठंडी, कि मन कर रहा है भाई छाछ पीने का इतनी गर्मी में। उस रूम में ही चल रहा है ये फ़ोन चला रहे, इसलिए मैं उस रूम में जा रही थी, मैं उस रूम में बैठी जिससे कि मेरे बाल सूख जाएंगे तो मैं ये छाछ पी सकती हूँ। अब मैं इनके पास गई तो वहीं बिठा लेंगे, मेरे एसी से सर में दर्द हो जाएगा। वेट कर रही हूँ मेरे बाल सूखे। और भाई संडे है तो सुबह थोड़ा लेट हो गया पूजा वूजा करने में, तो भाई पूजा तो फिर वही शाम को ही होगी। इनको देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, कि मैं तो अपना नहा दूँ क्या बैठी पंखे में अपने हेयर सुखाने के लिए, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? मच्छर मार रहे थे आप? क्या कर रहे थे सिर्फ बता दो। मच्छर मार रहे भाई, फोन चला रहे थे ये। मैं वहाँ अपने हेयर सुखा रही हूँ कि यहाँ एसी चल रहा है, इसलिए मैंने ये भी फ़ोन चला रहे थे वहाँ बैठ के, तो भाई फिर आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसलिए मैंने इनको इस कमरे भेज दिया। और ये अपना चुपचाप इतने अच्छे बच्चों की तरह फ़ोन चला। कुछ खाना नहीं लेने? कुछ भी नहीं खाना तो खा लो। राइस बहुत सी मंगा लिए, कब खाएगी बताओ? कब खाएगी बता? कब खाएगी बताओ? ये खाने की चीज है, खाना खाओ चलो। ओके फ्रूट्स चलो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। चलो ना, खाना किचन में बनेगा या थोड़ी बनेगा? अच्छा चलो भाई खाना वाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। क्या कैसे बना लोगे यहाँ? भाई तो वहाँ छाछ रखी पहले, छाछ भी वैसे उस पर सर सूख जाए ना, गीला हो रहा है बहुत ज्यादा, मेरे सर में दर्द हो जाएगा। क्या मूवी देखने? चलो कौन सी मूवी देखोगे फिर बताओ। वो आ रखी है। कौन सी बताऊं? नाम याद रहा मुझे, पता नहीं कहां जाऊं। मैं ट्रेलर दिखाऊंगा पहले तेरे को। दिखाओ चलो, फोन लेके आओ। अभी तो पहले खाना बना लूं, पहले खाना बना लूं इतने। पर मैं बाहर ही खाऊंगी फिर। आप घर में खाओगे? दिखी कर रखा है इतनी गर्मी में, बना के देखो तब पता चलेगी क्या किस बार ही गर्मी में भाई इतनी पड़ रही। खड़ा होकर देखो ना तब पता चलेगी। मैंने अपना खाना नहीं, मैं भी हलवाई खाऊंगी, देखती कैसा बनेगा ये आटे का हलवा। ये आटे का हलवा जब खाते हैं तो बच्चा बच्चा होता था, तुम्हें कौन सा बच्चा हो रहा भाई?
तेरे को तो हो गया होने वाला है कुछ भी कुछ भी बच्चे के रेडीमेड आते हैं क्या हां कल ले आएंगे इनके लिए बनाएंगे आटे का हलवा आज और आज मैं भी ये खा के देखती कैसा बनेगा ये आटे का मैं भी देखना चाहता हूं तू कैसा बनाएगी आप देखो मैं खा लूंगी ठीक है हां खा लिया लो हां कैसा था मस्त था मजा आ गया कल मैं दिमाग खा रहे थे ना बस ये चाह रहा था देख छोटी छोटी चीजें मांगता हूँ वो दे दिया कर तो आटा भूना रहता तो उसी टाइम भी बन जाता तो भून सके थे ना कितना टाइम लगा था गर्मी यार कितना टाइम लगा अभी तक मैंने वीडियो में क्या दिखाया था अभी गर्मी में कोई आपको दो रोटी भी बना के दे रहा है ना उसकी हाँ। इज्जत करो तो इज्जत कर रहा हूँ तेरी और के लेगी छप्पन भोग मत मांगो गर्मी में क्यों ना मांगू भगवान ना मांगा भगवान की ताई बना देगी ना भगवान की ताई बना देगी या नहीं बना देगी मेरा फेस्टिवल अलग है संडे हो गया मेरा फेस्टिवल बना लिया कर ठीक है देखो किचन में आके बना के आपको फेवरेट क्या बना रहे हो कुछ आपका फेवरेट फेवरेट बना रहे हो चलो जी देखा जाए क्या बना रहे हो क्या नहीं आज तो मैं किचन से नहीं लेके हां आज तो मैं किचन से नहीं लेके आ तो से कुछ ना कुछ बनवाता ही रहूं है ना छुट्टी रहा है ना रात में कुछ ना कुछ बनवाता ही रह जाए ये क्या बना रहे हो करखरे आलू आलू जरूरी है भाई खाने इसमें तो जाएगा सॉरी बस कुछ भी नहीं ये सही है आपका और आपके बच्चे इस सब्जी को भी खाना सीख गए ना समझ लो उनकी इनफ है सब्जी हां मतलब सिर्फ सॉल्ट के साथ नहीं कि मिर्ची मसाला और ना ज्यादा और तेल हां बट ये घी में ये घी बच रहते हैं ओके चलो कहाँ चलना है चलो किधर देखते हैं खाले 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 बस अभी रात नहीं हुई है रात वाला खाना है ये मैं टेस्ट करती सब में परफेक्ट है टेस्ट कर लीजिए टेस्ट कर लिया चला अब हेलो बढ़िया है आप तो सो गए चलो फिर अब आप तो नहीं खाओगे ना क्या जो आप खिला रहे आया जाम 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 ओह गर्मी के साथ जाम मुबारक हो रुकना तो पड़ेगा पीछे तक जाम है जाम निकलते ही जाऊंगा अपने घर जा देते जाने के लिए पहले देनी पड़ रही है हाँ। तब जाएंगे वैसे हम निकले जिम ना था ना तो मन ना लग रहा था यार सच में मैंने कहा था एक दो घंटे गौशाला बिता के आते आराम से चलो बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं मन लग जाएगा आपका है ना पर अब तो हमने ले लिया ना एक ही ले ले अब उसको क्या करें फिर सही है मतलब पैसे एक पे फूको फिर दूसरे पे फूको एक और मिल जाए तो फिर तीसरी पे फूक देना तो पैसे की वैल्यू नहीं अरे भैया एक खिड़की का 100 रुपए बता दिया क्या छह पीस वही तो बोल रही है खिड़की का 100 रुपए हो गया ना सही लगाओ नहीं 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 गलत बता दे इतने में तो यार पूछा था यार हमने यार हद हो गए यार भैया आप कैसी बात कर रहे हो हमें भी पता है रेट का तो पता कर लीजिएगा पता करने के बाद हम यहाँ आए जीतू के बगल के दुकान में जीतू का दोस्त हाँ और हम लोग पहले पूछ लेते हैं फिर जाते हैं सुन रहे भैया जीपीएस है जीपीएस वो ट्रैकर हम पहले पूछ लेते हैं फिर दुकान पे जाते हैं ऐसे नहीं जाते तो आप हमें पागल नहीं बना सकते एक खिड़की का 100 रुपए सही है सूर्य 1200 नहीं बोल दिया पिछली बार भी देखा था तो आपने तो लिया नहीं था देख लेता इस बार अच्छा वो बता जो गैस और वो चल रहे हैं यूट्यूब वगैरह चल जाए सब वो क्या है यूट्यूब स्क्रीन पे चल जाती है वो तो एंड्रॉइड लगाना पड़ता है एंड्रॉइड नहीं मेरा एप्पल कार प्ले है तुम्हें दबाना चाहिए
मतलब उसमें सिर्फ गूगल चलता है, स्पॉटिफाई चलता है, यूट्यूब नहीं चलता, ये कह रहे हो ना? तो उसमें अपडेट उस चीज का आया अभी, तो फिर ये पहला अपडेट है इसका ना, अभी क्या पता आने वाले टाइम में आ जाए। आप इसका बताओ, आप इसका 100 रुपए खिड़की का बोल रहे हो, मैं 50 रुपए खिड़की का दूंगी। मतलब इनको निकाल नहीं सकते? निकाल दो, निकाल, दिखा दो। उस खिड़की में से नहीं निकाल सकते एक बार लगाने के बाद? मैं निकाल सकता हूँ, जब निकाल होगी बस। फिर भी महंगा, मैं फिर भी 600 नहीं दूंगी। निकाल तो सकते हैं ना, बेच सकते हैं ना। कभी कह दो फाड़ दिया तो लेना पड़ेगा। नहीं, नहीं, ले के ले जाऊंगी मैं, खरबूजा कटवा के ले जाती हूँ खिड़की का। दो धूप क्या रुकेगी? अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट आ रहे थे भैया फ्रेम में। वही लगा के देखते हैं कि फिट कितना होगा और कैसे होगा ये। एक ही लगा के दिखा दो ना, ना कभी भैया सारे, कभी मैं जो रेट बोलूँ उसे भैया मना कर दे और ले ले वापस। इसके तो मना नहीं करती ना पुलिस? करती है मना। यार धूप लगी तो इंसान क्या करे गाड़ी में? तो फिर हम सिर्फ आगे आगे लगा सकते हैं, पीछे तो नहीं लगा सकते? पुलिस रुकवा लेगी। पुलिस तो आगे पीछे दोनों पे रुकवाएगी। 600 रुपए के इनको लो, फिर उनको 600 रुपए का वो दो चालान। चालान तो निकाल दे, लगा दे, लगा दे, सारे लगा दे। ये छोटा नहीं है ये वाला खिड़की का? नहीं तेरे यार का सेंसर पीछे से सेंसर कोड देखेगा फिर। अच्छा हां, सारे लगा दे और बोल देना पैसे खाते में निकलेगा हमारे। द्रौपदी जीतू, जीतू देगा, जीतू देगा आगे की चीज़ें को पैसे। वो पहले बाजी बाजी आओगी है ना, आज थोड़ा ही था। चलो अंदर चल भाई, दही वाली सेव पूरी कर दी है। दही वाली सेव पूरी, हां सेव पूरी भाई। सेक्टर 14 मार्केट देख लो, भरी हुई है। और वास्तव ये ना ना ओवर मेरा ना मन नहीं आते, शुक्र है मैं सो ही नहीं। आज पैसे भी नहीं लाए ना, मैं नहीं देऊंगा ना, मैं नहीं देऊंगा ना। मैं रोने लग गया हूं, ये रोजा पसर के भिगा था, मैं मान लूंगा। ये देखो यहाँ सेक्टर 14 आ गया, चाय पी जा रही है। पर मैं चाय पी के जाऊंगी। चाय तो पीनी पीनी है। मैं पीती नहीं हूँ आज ही। अरे राम बड़ी हाई है आज भाई। अरे एक योगेल नीचे लगा देते, अरे मुझे गर्म लग रही है। चाय पीते हैं, चाय लवर नहीं भैया। चाय लवर नहीं, ये तो आज पी रहे हैं, आज पी रहे हैं। पागल मरने वाला ये कल भी आया, वो बता रहा भाई कल तो सोनू भाई, सोनू था भाई। अच्छा वो कह रहा इससे ब्रेकअप हो रखा है, उससे ब्रेकअप हो रखा, परेशान हूं बस उधर कल होने। चल तू चल भाई। ओ भाई ऐसे बोलता है भाई, वो पागल हो लिया वो। यो अगली कब तक खोली? यो अगली कब तक? ये अभी किया ही है नया काम। अगली बार आप भी इसी पे आना। सही में यकीन मानो 450 रुपए ही भेज रहे। अगली बार इसी पे आना अंकल, रेट कम कर लेना अगली बार। आप भी आओगे? आप सारे कवर आप लेने जाऊंगा। आप ले जाते हो पर इसको नहीं है। मत करो 100 रुपए, मत करा करो बार्गेनिंग। जहाँ करनी होती है वहाँ करा करो, अच्छा नहीं लगता। जहाँ जिसमें नहीं करनी होती ना वहाँ तो वैसे ही घाटे में। हम तभी तो कर रहे हैं, यहाँ कर सकते हो। तो भाई फाइनली पति का खर्चा करवा के अच्छा खासा छोड़ दो तो भाई मजा आ गया खर्चे करवा के। और भाई सच बताऊँ, मेरे पास जीन्स है, 6-7 जीन्स है
पर वो 6-7 जीन्सों में से मुझे अब कोई भी नहीं आता। मेरे को उसकी प्रॉब्लम नहीं कमर की, मुझे जो थाइज है ना भाई, मुझे शुरू पहले आदत थी मुझे थोड़ा फिट पहनने की जीन्सों में, अभी भी थी लेकिन वो इतने फिट हो चुके हैं ऐसा लगता है कि कोई ज़बरदस्ती पहना रहा है कुछ। तो इसलिए मुझे, मैंने सोचा यार सूट मैं सिलवा लेती हूँ, सूट मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, वो जो ड्रेस होती है वो खुली खुली सी लंबी वाली वो मैं भी कहीं से भी ले सकती हूँ। पर अगर आपको जीन्स कहीं से मिल रहा है तो आप जीन्स लो, जीन्स में थोड़ा कम्फर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। कि सफ़र में मेरे पास पहनने के लिए जीन्स थे नहीं, कि बहुत फंसे हुए जीन्स हैं मेरे सारे, हालांकि सारे के सारे न्यू हैं और ना किसी को मैं दे सकती हूँ ना मैं कोई यहाँ पहनने वाला है ऐसा। तो इसलिए मैं जीन्स ले आई, पर इन फ्यूचर किसी को मैं अपने कपड़े पहना पाई तो मैं ज़रूर पहनाऊँगी, क्योंकि मेरे कपड़े ना A to Z नए हैं, बस मुझे आते नहीं हैं, मानते हो बात। तो भाई मुझे भूख तो है नहीं, कि मैं चाय ले ली थी, गोलगप्पे खा लिए थे, मैं पहले अगर रोटी खा जाती मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो रह गई मेरी, वरना मैं वो खा के जाती तो सही रहता। तो भाई अब ये कपड़े तो मैं आपको कल दिखाऊंगी ब्लॉग में ही क्या लाई क्या नहीं लाई। तो इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।